ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान निर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात का संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा सबक तारीख का 8वां सबक गांधी दौर और जुद्दोजहद आज़ादी की दूसरी नशिस्त है। पहली क्लास में हमने चंद अहम नुकात का मुताला किया था बच्चों। तो पहले हम आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कल जो हमने क्लास में अहम नुकात पढ़े थे उस पर एक बार नज़र सानी करें। पिछली क्लास में हमने गांधी जी की इब्तदाई ज़िंदगी और नशोनुमा के बारे में मुताला किया था। हिंदुस्तान में गांधी जी की इब्तदाई तहरीकात कौन कौन से थे, गांधी जी जुद्दोजहद के आलात और हथियारात क्या थे, जलियांवाले बाग का सानहा क्या कैसे हुआ, खिलाफत तहरीक किसे कहते हैं, तहरीक के अदम ताउन कैसे चलाई गई, चोरी चोरा हादसा कैसे रोनुमा हुआ, इसके बारे में हमने मुताला किया था बच्चों। तो आज मैं इसी से ताल्लुक रखते हुए इसी से मुताल्लुक चंद सवाल आपसे करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ कर आए हों सबक, तो बहुत अच्छे से आंसर दोगे बच्चों। चलो बच्चों, पहले सवाल की तरफ चलें। 1920 से 1947 तक के वक्ते को गांधी दौर कहा जाता है, क्यों? या फिर 1920 से 1947 के वक्ते को गांधी दौर क्यों कहा जाता है? जी बच्चों, जवाब आपको आता है। हमने पिछली क्लास में सबक की शुरुआत इसी से साथ की थी बच्चों। जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो आप। गांधी जी के ख्यालात और उनके जद्दोजहद के उसूल से ही आज़ादी की जद्दोजहद को एक मुस्तहकम बुनियाद और मौसर राह मिलने की बदौलत इस वक्फे को यानी 1920 से 1947 तक के वक्फे को गांधी दौर कहा जाता है, जो कि आज के हमारे सबक का नाम है बच्चों। दूसरा सवाल, गांधी जी का कौल हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, समझाइए। जी बच्चों, गांधी जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद को अहमियत दी थी बच्चों। जी बच्चों, जवाब सही दिया आपने। गांधी जी का यकीन था कि बगैर हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के आज़ादी को हासिल करना और मुस्तकबिल में एक रियासत बनकर उभरना नामुमकिन है। इसलिए गांधी जी ने कहा हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं। तीसरा सवाल देखें बच्चों, जलियांवाले बाग का सानहा जिसमें जनरल डायर ने 10 मिनट की फायरिंग करके 380 एहतजाजियों का कत्ल कर दिया, इस सानहे को कभी नहीं बुलाया जा सकता बच्चों, जिससे पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान में गम की लहर दौड़ चुकी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब वापस कर दिया था, गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन का आगाज कर दिया था बच्चों। जी बच्चों, तो जिस जनरल डायर का कत्ल किसने किया? जी, आप बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों। जी बहुत अच्छे से, बहुत वेरी गुड, यही सही आंसर है बच्चों। जवाब उधम सिंह, हमारे इनकलाबी उधम सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन वापस क्यों लिया बच्चों? तहरीक अदम ताउन के प्रोग्राम चलाए गए थे बच्चों, तमाम लोगों ने स्कूल और कॉलेज का बायकॉट कर दिया था, वकला ने वकालत छोड़ दी थी बच्चों, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया गया था, इसके बामुकाबिल नए नए यूनिवर्सिटीज़ कायम किए गए थे, मुकामी यूनिवर्सिटीज़ कायम किए गए थे, औरतें भी कांग्रेस का साथ देने लगी थी बच्चों। ऐसी तहरीक अदम ताउन जो पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लहर दौड़ा चुकी थी, इसको वापस क्यों लिया गया? जी बच्चों, बहुत खूब, क्योंकि तहरीक अदम ताउन के दौरान चंद तशद्दुद बरपा हादसे रोनुमा हुए,
इस वजह से जिसका अहम नतीजा चोरी चोरा हादसा था। चोरी चोरा हादसा के बाद गांधी जी ने सोचा कि लोगों में अहिंसा के लिए दरकार तैयारी और अखलाकी कुव्वत की कमी है। इस वजह से 12 फरवरी 1922 को तहरीक अदम-ए- तआवुन वापस ले लिया। जी बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी गुड। पूर्ण स्वराज का फैसला किस कांग्रेसी अजलास में लिया गया? जी बच्चों, जिसकी सदारत, जी, वेरी गुड, सही जवाब है। जवाब 1919 के लाहौर कन्वेंशन में लिए गई, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वराज का फैसला लिया गया इस कॉन्फ्रेंस में। पहली बार यौम जश्ने आजादी कब और कहाँ मनाया गया? जब पूर्ण स्वराज का फैसला लाहौर कन्वेंशन 1929 में लिया गया, तो उसके बाद पहली बार यौम जश्ने आजादी कहाँ पर मनाया गया? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब। 26 जनवरी 1930 को दरियाए रावी के किनारे मनाया गया। पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने दरियाए रावी के किनारे पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार यौम जश्न आज़ादी मनाया। इसी यौम जश्न आज़ादी को आज़ादी की यादगार को बाकी रखने के लिए तारीख में एक मकाम देने की खातिर हमारे कानून को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, नया फिर नाफिस किया गया, जिसकी वजह से आज भी हम यौम जम्हूरिया 26 जनवरी को मनाते हैं। बच्चों, तो आज के सबक में चंद अहम मालूमात हम हासिल करेंगे। पिछली क्लास में तो हमने पढ़ लिया, आपने भी बहुत अच्छे से सारे जवाब दिए। तो आज की क्लास के अहम नुकात: तहरीक के तर्क मवालात या सिविल नाफरमानी तहरीक, भारत छोड़ दो तहरीक, किसानों का एहतजाज, मजदूरों के मुखालिफत या फिर मजदूरों की बगावत, कबायली तहरीकें। तो सबसे पहले हम तहरीक के तर्क मवालात या सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में मुताला करें, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट कहा जाता है। बच्चों, फरवरी 1930 में कांग्रेस की कारगर्द कमेटी ने साबरमती आश्रम के पास सिविल नाफरमानी तहरीक का इनेकाद करने का फैसला किया। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को 11 नुकात पर मुश्तमिल मांगों का एक पर्चा वायसराय अरविंद को लिखा, और अगर सरकार इसे नामंजूर करेगी तो से तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू करने का ऐलान किया। इन्हीं 11 नुकात में से नमक पर लगाया गया टैक्स की मनसूखी भी एक अहम नुकात था, मगर वायसराय अरविंद ने इन 11 नुकात को नामंजूर किया, जिसके नतीजे में गांधी जी ने तहरीक सिविल नाफरमानी का आगाज नमक सत्याग्रह से किया। गांधी जी ने अपने पैरोकारों के साथ मिलकर 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकलकर गुजरात की सरहद पर तकरीबन 375 किलोमीटर दूरी पर वाकिया डांडी के साहिल तक 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। बच्चों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि 375 किलोमीटर दूर तक गांधी जी और उनके पैरोकार और बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग पैदल सफर करते हैं। बच्चों, पैदल सफर करके साबरमती आश्रम से डांडी को पहुंचते हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हो बच्चों, डांडी मार्च का नक्शा है, साबरमती से आश्रम से लेकर डांडी मार्च तक का नक्शा यहाँ पे डाला गया है। बच्चों, तो ये से 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी साहिल पर पहुंचते हैं। बच्चों, और डांडी साहिल पर नमक तैयार करके तमाम लोगों में तकसीम करते हुए नमक पर लगाए गए टैक्स को मनसूख कर दिया। इस तरह नमक पर लगाए गए टैक्स का कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से उन्होंने पैदल सफर किया। डांडी मार्च की एक तस्वीर है बच्चों, गांधी जी और तमाम देख सकते हो बापू राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर गांधी जी और दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी मिलकर यहाँ पर डांडी के साहिल पर नमक तैयार करते हुए, इसकी एक तस्वीर है बच्चों। जवाहरलाल नेहरू है, बाबू राजेंद्र प्रसाद है, गांधी जी है और दूसरे रहनुमा भी हैं बच्चों। नेक्स्ट, सिविल नाफरमानी तहरीक में गांधी जी का साथ देने वाली विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी,
बाबू राजेंद्र प्रसाद और कर्नाटक के 18 साला 18 इयर्स ओल्ड साला तरुण मेला महादेवा भी इसमें इस डांडी मार्च में शामिल थे बच्चों, और दिगर हजारों की तैदाद में लोग इनके साथ शामिल थे। जैसे ही नमक पर लगाए हुए कानून को गांधी जी ने तोड़ा तो अंग्रेजों ने गांधी जी और दिगर हजारों की तैदाद में लोगों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और ये तहरीक मुल्क गीर तहरीक बन गई और मुल्क के हर हिस्से में फैल गई और कर्नाटक में अंकोला के मुकाम पर नमक सत्याग्रह मनाई गई बच्चों। नेक्स्ट, इस तहरीक से ये साबित हो गया कि तहरीक अदम ताउन और तहरीक सिविल नाफरमानी से ये साबित हो गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों की राय के बगैर कोई भी फैसला अपने आप नहीं ले सकते, जिसके नतीजे में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई बच्चों। यहाँ पर आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस देख सकते हो, तस्वीर है बच्चों गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस चलती है बच्चों, 1930 को पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1931 दूसरी, 1932 तीसरी। तो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930, इसी दौरान पिछली मांगों के तहत 1930 में हिंदुस्तान के अवामी रहनुमाओं के अजलास लंदन में बुलाया गया और यही पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनाकिद की जाती है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ह हो गई कि हिंदुस्तानियों को छोड़कर अंग्रेजी सरकार अपने आप कोई भी फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि वो जो भी फैसला लेंगी, जो भी कानून बनाएंगी, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस वो बनाएंगे, उस पर अमल करने वाले हिंदुस्तानी हैं। अगर हिंदुस्तानी ही अमल ना करें तो उनका बनाया हुआ कानून कैसा, क्या है, क्या अहमियत रखता है बच्चों। जी बच्चों, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अछूत माशरों के लिए एक अलग इंतखाबी हलका मुंतखब होने का मौका दिया गया बच्चों, यानी अछूतों के लिए, निचली जात के लोगों के लिए अलग इंतखाबी हलके या मजहबी हलके का मौका दिया गया बच्चों, जिसे जो कि गांधी जी को मंजूर नहीं था। ये भी एक तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, लड़ाओ और हुकूमत करो। इस अजलास में शामिल होने के लिए गांधी जी के तहरीक सिविल नाफरमानी के दौरान जितने गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं को जो कैद कर लिया गया था पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खातिर, उन तमाम को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन गांधी जी ने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की और शिरकत करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की तंजीमों और मुख्तलिफ मुआशरों के रहनुमाओं जैसे अम्बेडकर, तेज बहादुर, मोहम्मद अली, श्रीनिवास शास्त्री और दिगर लोगों ने शिरकत की। लेकिन कांग्रेस की पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने की वजह से यह इजलास नामुकम्मल रहा। इसलिए पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के फैसलों को सुनाने और मनवाने के लिए गांधी जी और अरविंद वायसराय के दरमियान मुआहिदा तय पाया, जिसको गांधी अरविंद मुआहिदा कहते हैं। इसके नतीजे में गांधी जी ने सिविल नाफरमानी तहरीक को रोक दिया और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला लिया। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, बच्चों सब बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में टिक करते हुए पढ़िए, टिक करते हुए सबक को सुनिए। इसमें से सवालात पूछे जाएंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें से तमाम टाइप के सवालात पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस से लेकर 4 मार्क तक के सवालात पूछे जाएंगे बच्चों। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए मखसूस इंतखाबी हलके को रायज करने की पेशकश की, लेकिन इस पेशकश को गांधी जी ने कबूल नहीं किया। इसलिए अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान आर्जी तौर पर तफरुखात पैदा हो गए। इस तरह दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी बगैर किसी फैसले के खत्म हो गई। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की नामंजूरी के बगैर अछूतों के लिए मखसूस और अलग इंतखाबी हलके का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में गांधी जी ने इसकी मुखालिफत करते हुए ताउम्र भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस वक्त अंबेडकर को मनाने की कोशिश भी की गई, जिसके नतीजे में अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसे पूना पैक्ट या पूना मुआहदा कहा जाता है बच्चों। और पूना मुआहदे के तहत मुताबिक मजहबी इंतखाबी हलके की बजाय आम इंतखाबी हलकों में अछूतों की नुमाइंदगी को रिजर्वेशन दिया गया। इस तरह अंबेडकर ने अछूतों के लिए रिजर्वेशन हासिल कर लिया।
तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1932। अंग्रेजी सरकार ने मरकज में वफाकी और रियासतों में हल्का जाती हुकूमत की तश्कील करने की तरफ इशारा करते हुए तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1932 में। सरकार की पेश करदा इंतजामिया को इनकार करते हुए कांग्रेस ने इस अजलास में हाजिरी देने से इनकार कर दिया और इन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के चलते हुए अंग्रेजी सरकार ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी किया। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस का ही नतीजा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी किया गया और इस एक्ट में सरकार ने वफाकियत और रियासती हुकूमत के क्याम के मौके फराहम किए और हिंदुस्तानियों को सियासी हुकूक भी मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इंतखाबात भी लड़े, कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की और हुकूमत भी शुरू की। 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई। इस तरह पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और इस जंग शुरू हुई और अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तानियों की राय लिए बगैर हिंदुस्तानियों को दूसरी आलमी जंग में शामिल करने का ऐलान कर दिया। इसकी कांग्रेस ने मुखालिफत की और सरकार से बाहर आ गए। देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी आलमी जंग की एक तस्वीर। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1945 तक चलती है। ये पूरी आलमी जंग है जिसमें पूरी दुनिया दो ग्रोह में बढ़ जाती है और इसमें अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तानियों की राय लिए बगैर ही हिंदुस्तान को शामिल कर लिया था, जिसके नतीजे में कांग्रेस सरकार से बाहर आ गई बच्ची। इस वजह से अंग्रेजों ने स्टाफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा। वाइसराय के फैसले की मुखालिफत करते हुए गांधी जी ने इंफरादी सत्याग्रह कर दी हिंदुस्तानियों को तसल्ली देने के लिए और अंग्रेजी सरकार ने स्टाफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान रवाना किया। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, स्टाफोर्ड क्रिप्स हिंदुस्तान रवाना किया। स्टाफोर्ड क्रिप्स कमीशन ने हिंदुस्तान के आगे चंद तजावीज रखी। हिंदुस्तानियों को डोमिनियन रियासत का दर्जा देना, दस्तूर साज असेंबली की तश्कील देना, नए दस्तूर में हिंदुस्तानियों को शामिल होने या दस्तूर यूनियन से अलग रहने के इख्तियारात जैसे तजावीज हिंदुस्तानियों के सामने पेश किए गए। इन तजावीज को कांग्रेस ने इनकार करते हुए भारत छोड़ दो तहरीक का आगाज किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया, जो 1942 में शुरू हुई थी बच्चों। इस तस्वीर में आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरह भारत छोड़ दो तहरीक में तमाम हिंदुस्तानी रास्तों पर निकल आए हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ दो तहरीक का ऐलान करते हुए सारी बरतानवी अफसरों को हिंदुस्तान छोड़कर जाने का एहतजाज करते हुए हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा दिया। इस ऐलान से गांधी जी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, कस्तूरबा गांधी और दिगर लीडरों को कैद कर लिया गया, जिसकी वजह से भारत छोड़ दो तहरीक की क्यादत करने वाला कोई नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई रहनुमा जेल में बंद हो गए, जिसकी वजह से गैर कांग्रेसी तंजीमें मंजरे आम पर आईं और इस तहरीक ने नए नए रहनुमाओं के लिए रास्ता खोला। इस तहरीक की क्यादत जयप्रकाश नारायण ने। तो बच्चों, ये हुआ हिंदुस्तान की तहरीकें, जिसे अभी अभी हमने यहाँ हिंदुस्तान जद्दोजहद आज़ादी की तहरीकों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के साथ हमारे आम इंसानों के अलावा किसानों, मजदूरों और कबाइलों ने भी तहरीकें चलाई, अपने ऊपर होने वाले मजदूरों मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस तरह जद्दोजहद आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया। किसानों के एहतजाज, फार्मर प्रोटेस्ट। आज़ादी की इस जद्दोजहद में किसानों और मजदूर तंजीमों ने भी नुमाया रोल अदा किया। कुछ तंजीमें कांग्रेस से मुतासर थी तो कुछ तंजीमें मार्क्स के नज़रियात से मुतासर थी। ये उस वक्त के फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसानों के एहतजाज की तस्वीर है बच्चों। बरतानवी दौरे हुकूमत ने
में किसानों ने जमींदारों और बगात के यूरोपी मालकिन के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने उस वक्त के जमींदार और बागात के यूरोपी मालकिन के मालकान के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने चंपारण जिले में नील की काश्त, ये इब्तदाई तहरीक में भी आया था गांधी जी के, किसानों ने चंपारण जिले में नील की काश्त करने से इनकार कर दिया और लगान के खिलाफ एहतजाज किया। और गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए बरतानवी हुकूमत को किसानों पर लगाए गए टैक्स को मंसूख करने पर आमदा किया। यहाँ पर आप चंपारण को देख सकते हो बच्चों, बिहार के चंपारण। कौमी जद्दोजहद के आजादी के एक जुजू के तौर पर कांग्रेस ने किसानों को मुनज्जम करने की कोशिश की। चंपारण, खेड़ा, मापलाई और दूसरे इलाकों में किसानों पर गांधी जी का काफी असर था। किसानों के मसाइल तहरीक अदम ताउन, तहरीक तर्क मवालात और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से वाबस्ता हो गए। कई एहतजाजात किसान सभा के तहत होने लगे और ये एहतजाजात कभी मुआफिक कांग्रेस होते तो कभी मुखालिफ कांग्रेस हुआ करते थे। तेलंगाना के किसानों की बगावत ने आंध्रा के रेड्डी जमींदारों को चुनौती दी। बंगाली किसानों ने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में किसानों ने कम उजरत के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस तरह किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया और वो भी हिंदुस्तान की आजादी का एक अहम हिस्सा बन गया। मजदूरों की बगावत, वर्कर रिवोल्ट्स। 1827 में कलकत्ता में मजदूरों की तहरीक शुरू हुई। पटसन, सूती, पारचा बाफी और रेलवे सनतों में लोग अपने हुकूक की खातिर मुनज्जम होने लगे। रेलवे खुलियों ने रेलवे स्टेशनों पर धरना दे दिया। बरतानवी अहदेदारों से उजरतें बढ़ाने के नारे लगाए गए। प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कलकत्ता, मुंबई टेक्सटाइल मजदूरों ने कौमी बेदारी पैदा की। मद्रास लेबर यूनियन कायम की गई और तमाम मजदूर यूनियन को कांग्रेस की हिमायत भी हासिल हुई। अब कबायली तहरीक, जहां किसान और मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वहीं पर कबायली भी अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स और फॉरेस्ट एक्ट जारी किया तो इससे कबाइल मुश्तल हो गए और इन कबाइलों में बगावत शुरू कर दी, जिनमें संथालों की बगावत और मंडा तहरीक बहुत अहम है। संथालों की बगावत को हिंदुस्तान की इब्तदाई तहरीकों में शुमार किया जाता है। ये कबीले बंगाल और उड़ीसा के पहाड़ों में बसते थे और अमन पसंद कबीले थे। जब अंग्रेजों ने बंदोबस्त दोआमी जमींदारी निज़ाम नाफिज किया तो ये मुआशरे के लोग बेघर हो गए। यहाँ पर आप संथालों को बगावत करते हुए एक तस्वीर में देख सकते हो बच्चों। इनकी पुश्तों की जमीन जमींदारों के हाथों में चली गई। जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजी अहदेदारों ने इन्हें कुछ ऐसा सुलूक इनसे नारवा रखा के बाद अमन पसंद संथालों की बर्दाश्त से बाहर हो गए। कंपनी ने पुरअमन और पाकीजा रुझानात के हामिल संतानों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर इन्होंने खुफिया अजलास मुनक्कद करना शुरू किया। संथालों ने खुफिया अजलास मुनक्कद किए और खुफिया अजलास में फैसला लिया गया कि मालदार और मुमताज शहरियों को लूटेंगे। कांस्टेबल महेश लाल ने संथालों के साथ नारवा सलूक किया, जिसकी वजह से फसादियों ने महेश लाल का कत्ल कर दिया और इसी की वजह से साहूकार और जमींदार फरार हो गए। हुकूमत की फौज के जरिए इस बगावत को खत्म करना हुकूमत को फौज का फौज लाकर इस बगावत को खत्म करना पड़ा। कई फसादियों को गिरफ्तार किया गया। अगरचे के संथालों की बगावत खत्म हो गई मगर इसमें कई मुशावा एहतजाजात को जन्म दिया। इस तरह मजदूर, किसान और कबायली भी हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीकों का एक हिस्सा बन गए। बच्चों, यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए किसानों की तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में किस तरह किरदार अदा करती है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसलिए अच्छे से सुने बच्चों। तो बच्चों, इसी में से अभी तक मैंने आपको जितने सवाल अभी तक हमने इसमें तहरीक सिविल नाफरमानी, भारत छोड़ दो तहरीक,
इसके अलावा तहरीक सिविल नाफरमानी, भारत छोड़ दो तहरीक, किसानों की तहरीकें, मजदूरों की तहरीकें और साथ में कबायली तहरीकों के बारे में मुताला किया बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम तहरीकें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी बखिया तहरीकें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास में हमने जितनी तहरीकों के बारे में पढ़ा है उसी में से चंद सवाल आपसे करूँगी। ये देखिए बच्चों, नमक सत्याग्रह को बयान कीजिए। जी बच्चों जवाब आपको आता है, हमेशा दो मार्क में पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों। नमक सत्याग्रह से ही तहरीके सिविल नाफरमानी की शुरुआत हुई थी बच्चों। जी बच्चों वेरी गुड, आता है बच्चों जवाब आपको, बोल सकते हो आप। वेरी गुड, सही जवाब है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलकर गुजरात की सरहद पर तकरीबन 375 किलोमीटर की दूरी पर वाकिया डांडी के साहिल तक 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर गांधी जी ने नमक तैयार किया। इस तरह नमक की तैयारी करते हुए नमक पर लगाए गए कानून को तोड़ा और नमक लोगों में तकसीम कर दिया और इस तरह नमक पर लगाए गए टैक्स को अंग्रेजों को मंसूख करने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने गांधी जी और दूसरे हजारों की तैदाद के लोगों को इसमें तोड़ा और जिसके नतीजे में अंग्रेजों को नमक पर लगाए गए टैक्स को मंसूख करना पड़ा बच्चों। जी बच्चों, और यही नमक सत्याग्रह कर्नाटक में अंकोला के मकाम पर मनाई गई बच्चों, और ये मुल्कगीर तहरीक के तौर पर चलाई गई। दूसरा सवाल, भारत छोड़ दो तहरीक कब चलाई गई। जी बच्चों, भारत छोड़ दो तहरीक जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को डोमिनियन का दर्जा देने का फैसला लिया तो गांधी जी ने भारत छोड़ दो तहरीक का आगाज किया बच्चों, और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। तो बोलो बच्चों भारत छोड़ दो तहरीक कब चलाई गई। वेरी गुड, 1942 को, भारत छोड़ दो तहरीक 1942 को चलाई गई। भारत छोड़ दो तहरीक में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को क्या नारा दिया। जी बच्चों, भारत छोड़ दो तहरीक में हिंदुस्तान गांधी जी तमाम अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और तमाम अंग्रेजी अफसरों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं और हिंदुस्तानियों को भारत छोड़ दो तहरीक की तरफ बुलाते हैं बच्चों। तो इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ दो तहरीक में हिंदुस्तानियों को क्या नारा दिया। जी बच्चों, जी जवाब आपको आता है बच्चों बहुत अच्छे से, वेरी गुड, जवाब करो या मरो का नारा दिया। इस तरह भारत छोड़ दो तहरीक चलाई गई जिसके नतीजे में गांधी जी और दूसरों के हजारों की तैदाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बच्चों, और इस वजह से दूसरी तंजीमों को मंजर आम पर आने का मौका मिला। कबायली तहरीक को चंद अहम कबायली तहरीकों के नाम बताइए। जी जवाब आता है बच्चों, ये भी जद्दोजहद आजादी का ही एक हिस्सा है बच्चों। वेरी गुड, संथालों की बगावत और मंडा बगावत जब कबायली बगावतों में अहम है। गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान क्यों इख्तलाफात उभरे। जी बच्चों जवाब आपको आता है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान इख्तलाफात उभरते हैं बच्चों। वेरी गुड, 1932 को अछूतों के लिए अलग इंतखाबी हलकों को कायम करने की मांग से गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान इख्तलाफात उभरते हैं, जो बाद में अंबेडकर को मना कर गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान पूना पैक्ट दस्तखत होता है बच्चों। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको जितनी तहरीकों के बारे में भी पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज इसी सबक पर मुश्तमिल चंद सवालात मैं आपको दूंगी, आपको आप घर में इस सबक को दोबारा पढ़ेंगे और इन तमाम सवालात को हल करके अपने क्लास टीचर को बताएंगे बच्चों। नमक सत्याग्रह को बयान कीजिए, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अहम नतायज क्या थे,
जद्दोजहद आज़ादी में किसानों और मजदूरों का किरदार बयान कीजिए, संथालों की बगावत का खुलासा लिखिए। इम्पॉर्टेंट सवालात है बच्चों, हमेशा पूछे जाने वाले सवालात है, इसलिए पढ़कर लिखकर अपने टीचर से करेक्शन करवाएं और अगली क्लास में पूरा सबक पढ़कर आएं। मैं दोबारा सवालात पूछूंगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर। अनुदिना अनुक्षणा मनेयल्लु कलियोणा कलिकेय होसहादियलि जोतेगूडि हेच्चेय हाकोणा संतसदि कलियोणा नम्म हेम्मेय ई क्लासिनलि। यस सर। यस टीचर। प्रेजेंट मैम।